बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं गुड़ के चावल। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में। एक किलो गुड़ हमने लिया है और एक किलो के करीब ही चावल हमने लिए हैं। इनको आप देख सकते हैं, थोड़ी सी बिल्कुल किशमिश हमने ली है, थोड़ी सी लौंग हमने ली है, थोड़ी सी इलायची और थोड़ा सा बिल्कुल खोपरा हमने लिया है। ड्राई फ्रूट हमने बहुत ज़्यादा इसलिए लिए नहीं लिया है कि बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमने कम कम लिया है कि इसको डाले बगैर भी अगर आप चाहें तो गुड़ के चावल बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़ेदार से बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ नहीं है ये, इसलिए आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर दीजिए, और जिन्होंने कर दिया है उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले एक पतीली के अंदर हमने अपने घी को हल्का सा गर्म कर लिया है। सबसे पहले हम अपने घी के अंदर छोटी इलायची को चटका के तोड़ के डालेंगे। सारी इलायची हमने अपने घी के अंदर डाल दी है। अब लौंगे डालेंगे, अब हम इसके अंदर अपना कूटा हुआ गुड़ शामिल करेंगे। अब इसके अंदर हम अपना एक किलो के करीब पानी शामिल करेंगे। इसको कम से कम भी नहीं तो हम 5 मिनट तक पकाएंगे, और इसे हम मुसलसल इस तरीके से चलाते जाएंगे। इस तरीके से हम मुसलसल इसे 5 मिनट तक चलाते रहेंगे, जब तक हमारा गुड़ अच्छे तरीके से घुल नहीं जाता। काफी हद तक गुड़ हमारा घुल चुका है, बाकी हम इसे 5 मिनट तक और चलाएंगे। पानी में हमारे अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका है और गुड़ हमारा अच्छे तरीके से पानी में हल हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपने भीगे हुए चावल। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपने गुड़ के अंदर भीगे हुए चावल। अच्छे तरीके से चावलों ने हमारे पकना शुरू कर दिया है। अब हम इनको पानी खुशक होने तक पकाएंगे। इसके अंदर अपनी किशमिश डालेंगे धोके। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना कटा हुआ खोपरा। इसे हम सिर्फ आधा डालेंगे, बाकी का आधा हम इसे ऊपर से शामिल करेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा बिल्कुल मिल्क ऐड करेंगे, और अब इसे पानी कुछ खोने तक पकाएंगे। पानी हमारा अच्छा खासा खुशक हो चुका है। अब हम इसे 10 मिनट तक के लिए दम लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए कितने ज्यादा खूबसूरत हो गए हैं चावल हमारे, बहुत ही ज्यादा खुशबू इनकी आ रही है और हो चुके हैं ये बिल्कुल रेडी। अब हम इसके अंदर अपना केवड़ा शामिल करेंगे। और 5 मिनट के लिए इसे दम लगाएंगे, इसे कवर करके। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपने गुड़ के चावल निकाल के आपको दिखाते हैं कि ये कैसे बने, लेकिन उससे पहले चला देते हैं इसको अच्छे तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है और कलर भी बहुत ही ज्यादा मजेदार सा आया। बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू तो आ ही रही है। हो चुके हैं गुड़ के चावल हमारे बिल्कुल रेडी। अब हम इसके ऊपर से खोपरा शामिल करेंगे। अब आप हमें ये बताइए कि हमने ये बनाने में कहाँ कहाँ गलती की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को आगे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमारी गलती कोताही और तारीफ को लिख के भेज सकते हैं, क्योंकि हम आपको सभी कमेंट्स पढ़ते हैं। इसके साथ ही वीडियो को खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होती है, दुआओं में याद रखिए।